जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज आप लोगों से जो है पूछे थे कि आज संडे है तो संडे के दिन हम ये चाह रहे थे कि किसी एक एक्सरसाइज का, जैसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गया, मैट्रिक्स हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया, या डिफ्रेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, या फिर वेक्टर हो गया, किसी एक एक्सरसाइज का जो है 2009 से 2022 तक के बोर्ड एग्जाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, उसका जो है सॉल्यूशन लेकर आ जाए। तो लगभग कुछ का तो आपको जो है मिल गया है, डिटर्मिनेंट का जो है नहीं अवेलेबल करा पाए थे अभी तक। तो आज इस सेशन में आपके बोर्ड एग्जाम में जो 2009 से लेकर 2022 के बोर्ड एग्जाम में जितने भी डिटर्मिनेंट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, आज उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है, वो भी एकदम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। यानी जो आपका बोर्ड एग्जाम है उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है उसको आपको ऑब्जेक्टिव तरीके से ही बनाना है। इसलिए ये स्पेशल क्लास जो आपका है, ये स्पेशल क्लास ऑब्जेक्टिव के लिए ही आपका चल रहा है। दूसरी बात की जो आपका ब्रह्मास्त्र कोर्स चल रहा है दोपहर में 2 बजे, जिस पर आपको जो है हर रोज क्लास अवेलेबल कराया जाता है, ठीक है, और उसका जो है ये चौथा दिन चल रहा है, सॉरी तीसरा दिन है आज, और उस पर हर रोज आपको जो है समय से वीडियो अपलोड कर दिया जाता है, यानी 2 बजे आपको वीडियो मिल जाता है, ठीक है। उस क्लास में आप सभी अवश्य जुड़े, निश्चित रूप से जुड़े। समझ लीजिए कि एक बार पूरा का पूरा आपका जो है गणित का रिविजन उसमें कराया जा रहा है आपको, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, आप सभी निश्चित रूप से जुड़ेंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और इसके बाद और भी आपको बता दें कि ये जो आपका 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला जो सीरीज चल रहा है शाम में 7 बजे से अभी, ठीक है, इस पर और भी बहुत सारे क्लास चल चुके हैं, ठीक है, 2022 में भी लगभग 60 से 70 क्लास चला है इसका, मतलब 2 महीना हर साल चलाते हैं तो 60-65 क्लास उस पर भी चला है, और इसमें भी लगभग जो है 13 से 14 क्लास आपका हो गया है। तो ऐसा करते हैं कि उसका भी लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, ताकि आप इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद उसको भी देख लीजिएगा, वहां से भी आपको जो है बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, चलिए आज हम लोग डिटर्मिनेंट को कंप्लीट करने वाले हैं फुल्ली एकदम अलग तरीके से, और आपको शॉर्ट ट्रिक भी सीखने को मिलेगा नया नया, जिससे कि आप डिटर्मिनेंट के सवाल को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। डिटर्मिनेंट के कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको हमेशा बोर्ड एग्जाम में रोक देता है, जिसका कॉन्सेप्ट यदि आपको नहीं मालूम होगा तो आप बोर्ड एग्जाम में उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को छोड़ के आ जाइएगा, ठीक है। हाँ, तो आज उन सारा का सारा क्वेश्चन जो है, जो भी क्वेश्चन है, सबका शॉर्ट ट्रिक भी हम साथ साथ देखते चलेंगे और उसको बनाने का तरीका भी समझते चलेंगे। आइए क्लास की शुरुआत करेंगे। सबसे पहला सवाल आपके सामने आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपको देख सकते हैं कुल मिलाकर 40 सवाल है, ठीक है। हाँ, तो आज पूरे के पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे हम। सबसे पहला सवाल और बहुत ही गजब का सवाल है, कहता है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष दिया गया है, त्रिभुज का शीर्ष है 3.8। अभी इसका हम आपको ट्रिक बताते हैं, ठीक है। यदि आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होगा तो इस क्वेश्चन को बनाने में जो है आप 2 से 3 मिनट का वक्त ले लीजिएगा, लेकिन आप इस क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में आसानी से बना सकते हैं। देखिए, यहां पर जो है त्रिभुज के शीर्ष दिया गया है 3.8, इसके बाद 5.2, इसके बाद -4.2। कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी त्रिभुज के 3 नियामक आपको दिया गया है, 3 शीर्ष का निर्देशांक आपको दिया गया है, और आपसे कहा जा रहा है कि इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है। आपको फॉर्मूला याद होगा तो फॉर्मूला के आधार पर भी आप बना सकते हैं, लेकिन हम आपको ये हिदायत देंगे कि ये फॉर्मूला पर बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हम आपको जैसे अभी बता रहे हैं वैसे बनाना है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2, ठीक है, ये होता है त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। फॉर्मूला मालूम नहीं है तो आप यहां से लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं बनाना है। अब इसको बनाएंगे कैसे देखिएगा।
आपको यहां पर तीन गो निर्देशांक दिया हुआ रहेगा, जैसा कि दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है कि आप अपने मर्जी से, आप अपने इच्छा अनुसार इन तीनों निर्देशांक में से जिसको मन में आ जाए, तीनों में से जिसको भी मन में आ जाए, उसको जीरो करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, जैसे हमारा मन कर रहा है कि बीच वाला को जीरो कर दे, ठीक है, तो हम बीच वाला को जीरो करेंगे। आपको मन में आएगा कि करगी वाला को जीरो कर दे तो इसको जीरो कर लीजिएगा। आपको मन में आएगा कि इसको जीरो करे तो इसको जीरो कर लीजिएगा। माने तीनों में से जिसको भी जीरो करने का मन हो आप जीरो कर सकते हैं। चलिए हम क्या करते हैं कि इसको जीरो करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, यदि इसको जीरो करना होगा तो यहां माइनस चार है, यदि यहां प्लस चार लिख देंगे तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि माइनस चार और प्लस चार घटेगा तो कितना हो जाएगा, जीरो के बराबर। अच्छा, यहां दो है और यहां यदि माइनस दो लिख देंगे तो जीरो के बराबर हो जाएगा। देख लीजिएगा, जीरो के बराबर करने का यही तरीका है। जो आपको दिया गया है उसमें कौन सा अंक जोड़े या घटाए कि जीरो के बराबर हो जाए। तो चार माइनस चार दिया हुआ था तो प्लस चार क्रिया करेंगे जीरो हो जाएगा। यहां प्लस दो दिया गया था तो यहां माइनस दो लिखे क्रिया करेंगे तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब जीरो करने के लिए जिस अंक का प्रयोग आप यहां किए हैं वही सबके नीचे लिख देंगे, बाकी दोनों के नीचे वही लिख देंगे। ठीक है, तो यहां हो जाएगा आपका कितना, चार माइनस दो, यहां भी वही लिखना है, चार माइनस दो, जो भी लिखेंगे तीनों के नीचे, इसका क्रिया करने पर जीरो हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, हाँ, यहां देखिए दो में से दो घटेगा तो कितना हो जाएगा, जीरो, पांच और चार कितना हो जाएगा, नौ। इसके बाद आठ में से दो घट गया तो कितना हो जाएगा, आठ में से दो घटेगा तो छह, ये हो जाएगा आपका कितना, ये तीन है और ये चार है, तो तीन और चार कितना हो जाएगा, चार तीन सात, नहीं ये हो जाएगा आपका सात। चलिए हो गया, ये जीरो है, इसको छोड़ देना है। क्रिया क्या करना है ध्यान दीजिएगा, अंदर वाला को अंदर वाला से गुना, बाहर वाला को बाहर वाला से गुना करके घटा देना है। ठीक है, अंदर वाला को अंदर वाला से गुना करना है, बाहर वाला से गुना करना है और घटा देना है। देखिए नौ छ के, नौ को छ से गुना करेंगे तो नौ छक चौवन, और माइनस दे के सात को जीरो से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो। अब बटा में दो हमेशा लिखना है, बटा में दो हमेशा लिखना है, आपका आंसर बन गया। ठीक है, बटा में दो लिख देंगे आंसर बन जाएगा, चौवन में से दो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, चौवन में से जीरो घटेगा चौवन, और चौवन में दो से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, सत्ताईस, यानी इसका आंसर हो जाएगा सत्ताईस वर्ग मात्रक। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सत्ताईस वर्ग मात्रक। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, सत्ताईस वर्ग मात्रक है क्या, नहीं है, यानी इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आइए अगले सवाल की तरफ चलेंगे, आशा करते हैं कि आपको यह कॉन्सेप्ट अच्छा से समझ में आ गया होगा। दो तीन सवाल इस पर कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही यह कॉन्सेप्ट आपको पहले भी बताया गया है। ठीक है, हाँ, यदि आपने डिटर्मिनेंट वाले वीडियो को नहीं देखा है जहां पर डिटर्मिनेंट वाला कॉन्सेप्ट आपको समझाया गया है, ठीक है, इसका शॉर्ट ट्रिक आपको बताया गया है, यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर जो है डिटर्मिनेंट वाले वीडियो को भी देख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक ना, हाँ, सवाल क्या है देखिएगा, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, ध्यान से देख लीजिए, यहां पर दिया गया है डेल बराबर वन 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 ए बी सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए और फिर ए प्लस बी। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका मान कितना के बराबर होगा, सिंपल है, अरे बहुत सिंपल है, इसका मान कितना के बराबर होगा निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको डिटर्मिनेंट का गुणधर्म याद होना चाहिए कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ के सभी संगत अवयव जीरो के बराबर हो जाए तो डिटर्मिनेंट का मान जीरो के बराबर हो जाएगा। दूसरा, यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ के संगत अवयव बराबर हो जाए तो डिटर्मिनेंट का मान जीरो के बराबर हो जाएगा। यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ के संगत अवयव समानुपाती हो जाए तो भी डिटर्मिनेंट का मान जीरो के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर आप देखिए कि वन 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 आपको दिख रहा है ना, हम ऐसा करते हैं ना कि ये जो है आर टू, सॉरी, ये जो आपका सी टू और ये जो आपका सी थ्री दिख रहा है, दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वन 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 तो ठीक है, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, इसको भी जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, इसको भी जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा बी प्लस सी, सी प्लस ए और फिर ए प्लस बी। अब आप देखते हैं
कि यहां पर C2 में A प्लस B प्लस C आपको दिख रहा है, तो जैसे ही C2 से A प्लस B प्लस C कॉमन ले लेंगे तो A प्लस B प्लस C बाहर आ जाएगा, नहीं अब बचेगा क्या 111, यहां भी 111 और यहां हो जाएगा आपका B प्लस C, C प्लस A और फिर A प्लस B। अब आप देख लीजिए कि यहां पर जो आपको डिटर्मिनेंट दिख रहा है इसमें C1 का मान और C2 का मान दोनों के दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई दो पंक्तियां कोई दो स्तंभ के संगत अव्यय बराबर हो जाए तो डिटर्मिनेंट का मान जीरो के बराबर, और जब इसका मान जीरो के बराबर हो जाएगा तो जीरो को ए प्लस बी प्लस सी से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो के बराबर। इसलिए इसका आंसर भी कितना हो जाएगा बाबू, जीरो के बराबर। चलिए आइए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, देखिए सवाल क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है हाँ यहां पर मान निकालना है आपको, एक्स आठ तीन तीन इतना का मान जीरो के बराबर है तो एक्स का मान क्या होगा। देखिए जैसे ही ये वाला डंडा लग जाए ना, समझ लीजिए कि ये डिटर्मिनेंट निकालना है, और डिटर्मिनेंट का मतलब ही होता है कि इसका वैल्यू निकालिए आप। तो पहले गुना करेंगे इसको ऐसे और इसको ऐसे, थ्री एक्स माइनस चौबीस बराबर में जीरो, या माइनस में उधर प्लस में चला जाएगा तो थ्री एक्स बराबर कितना हो जाएगा बाबू, चौबीस। ये कट गया क्या बार, आठ बार, यानी एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका आठ। इसका आंसर हो जाएगा आपका आठ के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। चलिए अगला सवाल क्या है देखिएगा, यहां दिया गया है कि डेल बराबर है कितना, दस दू तीस और छ, ठीक है। तो इसका मान आपसे पूछा जा रहा है, सिंपल है, मान जब भी निकालने की बात करेगा तो क्रिया वही करना है आपको, इधर वाला को इधर वाला से गुना, माइनस दे के इधर वाला को इधर वाला से गुना, दस को छ से गुना करेंगे दस छक साठ और माइनस, तीस को दो से गुना करेंगे तो तीस दूनी साठ, साठ में से साठ घट गया तो कितना हो जाएगा, जीरो के बराबर, ठीक है। आइए अगला सवाल है आपका, यहां पर दिया गया है कि वन माइनस एक्स टू अठारह छ, ठीक है, इसके बराबर में आपका दिया गया है कितना, छ दो अठारह छ। अब पूछ रहा है कि इसमें एक्स का मान कितना होगा, ठीक है, एक्स का मान कितना होगा। ऐसा नहीं कि अब आप देखें कि दोनों बराबर है तब इसको इससे तुलना करके एक्स का मान निकाल दिए, नहीं, ये डिटर्मिनेंट है, ये मैट्रिक्स नहीं है। डिटर्मिनेंट में सबसे पहले आपको इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, छ माइनस छ एक्स, इधर हो जाएगा आपका माइनस अठारह दुनी छत्तीस, अब बराबर इधर देखिएगा छ को छ से गुना करेंगे छत्तीस माइनस अठारह दुना छत्तीस, छत्तीस में से छत्तीस घट गया जीरो, और यहां देखिएगा छ में से छत्तीस घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस तीस, तो माइनस छ एक्स और माइनस तीस बराबर हो जाएगा इधर जीरो, इधर माइनस में उधर प्लस में चला जाएगा तो माइनस छ एक्स बराबर हो जाएगा आपका कितना, ध्यान दीजिएगा माइनस छ एक्स बराबर हो जाएगा आपका तीस, यानी एक्स बराबर हो जाएगा आपका माइनस पांच, छ पचे तीस, पांच बार कट गया नहीं, तो एक्स का मान हो जाएगा माइनस पांच के बराबर, ठीक है। एक्स का मान कितना हो जाएगा, माइनस पांच के बराबर, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। चलिए आइए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। सवाल देखिएगा ऊपर में आपको दिख रहा है, एक बार बनाने का प्रयास कर लीजिए सभी लोग। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ठीक है, यदि आपने ग्यारहवीं में थोड़ा सा भी पढ़ा है, थोड़ा सा भी, ठीक है, हाँ, सम्मिश्र संख्या के बारे में, तो वहां पर आपको जो है ओमेगा के बारे में पढ़ाया गया होगा, ठीक है। नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं है, अभी सीख लीजिएगा। सवाल आपका है कि वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन, फिर है ओमेगा स्क्वायर वन और ओमेगा, ठीक है। पूछ रहा है कि इसका मान कितना के बराबर होगा, ऊपर दिया गया है कि ओमेगा समीकरण एक्स क्यू माइनस वन बराबर जीरो का एक अवास्तविक मूल हो, ठीक है। आपको सबसे पहले बता दे, याद रखना है कि वन प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान जीरो के बराबर होता है, ठीक है, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान जीरो के बराबर होता है। तो यदि यदि हम इसको जोड़ दे, यानी सी वन सी टू और सी थ्री, ये तीनों को आपस में जोड़ दे तो क्या बनेगा, देखिए था वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहां भी जोड़िए वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर,
ठीक है, जोड़ दिए ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन, ओमेगा स्क्वायर वन और ओमेगा। अब आप बताइए कि वन प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान जीरो के बराबर होगा, जैसा कि अभी आपको यहां दिख रहा है, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान जीरो के बराबर होगा, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान जीरो के बराबर होगा। और आप देख सकते हैं कि यहां पर जो C1 में जितना भी अवयव आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा जीरो के बराबर हो गया ना। और आपको बताया गया है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ के सभी अवयव जीरो के बराबर हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का मान जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा बाबू, जीरो के बराबर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। देखिए क्वेश्चन ऊपर दिख रहा होगा आपको, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सवाल आपका है यहां पर एबीसी समांतर श्रेणी में है। अच्छा सवाल अच्छा है, एबीसी यदि समांतर श्रेणी में है तो समांतर श्रेणी में हो तो सारणिक का मान निकालना है। ऐसे इसका कॉन्सेप्ट आपको बता दिए, x प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस फाइव, फिर x प्लस टू ए, एक्स प्लस टू बी, एक्स प्लस टू सी। ठीक है, हाँ, और कहा जा रहा है कि ए बी सी समांतर श्रेणी में है। यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो दिए गए डिटर्मिनेंट का मान क्या होगा, जैसा कि आपको इससे पहले भी इसका कॉन्सेप्ट बता दिया है इस तरीके के सवाल का। ठीक है, एक बार और बता देते हैं, ए बी सी समांतर श्रेणी में है कहने का क्या मतलब, कि ए माने ए और बी के बीच का अंतर, बी और सी के बीच का अंतर बराबर है। चलिए आ जाइए इधर, जब भी ऐसा सवाल पूछेगा तो ध्यान दीजिएगा कि यहां देखिए ई वाला पार्ट आपको बराबर दिखेगा, पहला एक्स 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 सब में बराबर है। ठीक है, इसके बाद यहां देखिएगा तो इसके बीच का अंतर बराबर होगा, जैसे इसके इसके बीच में एक का अंतर है, इसके इसके बीच में एक का अंतर है। इधर भी आप देखेंगे तो इसके इसके बीच में एक का अंतर है, इसके और इसके बीच में एक का अंतर है, माने बीच का अंतर बराबर है। यहां देखिएगा, यहां देखिए टू ए टू बी और टू सी है, यदि देखेंगे तो दू 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 तो बराबर है, और ए बी सी के बीच का अंतर भी क्या है, बराबर है। तो यदि किसी भी डिटर्मिनेंट में ऐसा आ जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि दिए गए डिटर्मिनेंट का मान कितना होगा, जीरो के बराबर। दिए गए डिटर्मिनेंट का मान जीरो के बराबर, ठीक है, हाँ, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बाबू, जीरो के बराबर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे, सवाल आपको ऊपर दिख रहा होगा, एक बार देख लीजिएगा क्वेश्चन। सवाल कह रहा है कि एक सारणिक है जिसका मान आपको निकालना है, सारणिक आपका तीन गुने तीन कोटि का है, क्या है, तीन एक सात पांच जीरो दो, इसके बाद दो पांच और तीन। देखिए इसके डिटर्मिनेंट का मान आपको निकालना है। देखिए जब तीन गुने तीन कोटि का कोई भी सारणिक हो उसके डिटर्मिनेंट का मान निकालना हो तो कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है कि सबसे पहले इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, जैसे तीन पांच दो एक जीरो पांच सात दो और तीन। अब क्या करना है, तो ये C1 और C2 को ज्यों का त्यों फिर से बगल में उतारना है, तीन पांच दो एक जीरो पांच, बस अब तीन तीन को गुना कर देना है, तीन को हो गया, यहां से भी तीन को हो गया, यहां से भी तीन को हो गया, गुना कर दीजिए। देखिए तीन को जीरो से गुना करिए तो टोटल जीरो हो जाएगा, दो दूना चार को एक से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, चार माइनस पच्चे पच्चीस, और 25 को 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 175 ना, हाँ। इसके बाद 25 को 7 से गुना, 25 छक्का 150, हाँ 25 चौके 100, 150 175, ठीक है। इसके बाद इधर आ जाइए, अब तीन को इधर गुना करेंगे, ऐसे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तीन तीन को का, ठीक है, फिर इधर से तीन को, बस देखिए 7 को 0 से गुना करेंगे तब तो ये 0 हो जाएगा, बच गया इधर कितना, 5 गुना 10 दिया 30, माइनस पांच तीय 15, हाँ पांच तीय 15, ये हो जाएगा आपका 15। गौर करेंगे इधर, देखिए गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये दो दूना चार को एक से गुना करेंगे चार, अब पच्चे 25 सत 175, प्लस 175 माइनस, इधर हो जाएगा दो को गुना करेंगे जीरो से जीरो, और जीरो को सात से गुना करेंगे जीरो, पांच दूना 10 तीय 30, इधर हो जाएगा आपका तीन पच्चे 15 यानी प्लस 15। ठीक है, 175 को 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 179 और माइनस 45, 179 में से 45 घटेगा, 9 में से 5 घट गया 4,
सात में से चार घट गया, तीन एक, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 134 के बराबर। ठीक है, ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है इसका आंसर। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। देखिए क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा, एक बार बनाने का प्रयास कर लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, हाँ सवाल आपका है, देखिएगा यहां पर क्वेश्चन है कि वन, वन के बाद एक्स, एक्स के बाद एक्स स्क्वायर, इसके बाद है आपका वन वाई वाई स्क्वायर, इसके बाद है आपका वन जेड जेड स्क्वायर। ठीक है, इसका मान जो है आपसे पूछा जा रहा है, समझ लीजिए ठीक से। ऐसे सवाल को बनाने के लिए यदि आप इसका विस्तार करते हैं, गौर करेंगे, यदि आप इसका विस्तार करते हैं ठीक ना, तो अब आप इसका आसानी से बना सकते हैं। लेकिन विस्तार करने के लिए आपको क्या करना होगा कि सिंपल काम करना है, पहले दुगो को जीरो कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या करना है कि दुगो को जीरो कर देना है आपको, बस और कुछ नहीं करना है, दुगो को जीरो कर लेना है सिर्फ। ठीक है, देखिएगा यहां जीरो करने के लिए क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा, पहले इसको इसमें से घटा लेंगे ना, यहां इसको इसमें से घटाएंगे, इसको इसमें से घटा देंगे, तो यहां एक में से एक घट गया, कितना हो गया जीरो, यहां भी घटेगा तो कितना हो जाएगा एक्स माइनस वाई, यहां घटेगा तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक स्टेप कम कर लिए हैं। देखिए जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा जीरो, इधर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा वाई माइनस जेड, और जब इधर घटाएंगे तो क्या होगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी y प्लस जेड। ठीक है, बाकी नीचे वाला को ज्यों कहते हैं एक जेड जेड स्क्वायर, बस सिर्फ इतना काम करना है, दो को जीरो हो गया बात खत्म। देखिए x माइनस वाई इसमें भी मिल रहा है, y माइनस जेड मिल रहा है, तो पहले क्या करेंगे कि यहां से x माइनस वाई को कॉमन ले लेते हैं, x माइनस वाई और फिर y माइनस जेड कॉमन ले लिए, बच गया कितना आपका जीरो एक एक्स प्लस वाई, इधर देखिएगा जीरो एक वाई प्लस जेड, इधर हो जाएगा आपका एक जेड और जेड स्क्वायर के बराबर। बस अब आपको सिर्फ विस्तार कर देना है, किसको, आर थ्री को विस्तार कर देना है। देखिएगा प्लस माइनस प्लस, यानी यहां पर आपका एक्स माइनस वाई पहले से है, गौर कीजिए एक्स माइनस वाई पहले से है। ठीक है, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड पहले से है, और जब इसको विस्तार करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका रॉ और कॉलम छूट जाएगा, इसको इससे गुना करना होगा, इसको इससे गुना करना होगा, यानी हो जाएगा y प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई, तो हो जाएगा माइनस एक्स और माइनस वाई, जो कटने वाला है काट दीजिएगा, y से y कट गया, यानी हो जाएगा आपका x माइनस वाई वाई माइनस जेड, और फिर हो जाएगा आपका z माइनस एक्स। ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे, सवाल आपको ऊपर दिख रहा है, देखिए बड़ी मजेदार सवाल है, क्वेश्चन को देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए सभी लोग फटाफट एक बार जल्दी से। ठीक है, देखिए सवाल क्या है, सवाल आपका है कि हाँ यहां पर आपको मान निकालना है, तीन चार पांच जीरो दो तीन जीरो जीरो सात। ठीक है, अब इसका मान निकालना है, गौर कीजिएगा, ये एक सवाल का एक टाइप है। ठीक है, यदि कोई इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया गया है तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, ये टाइप है, समझ लीजिए। पहले आप देखिए विकर्ण वाला को छोड़ने के बाद ऊपर में या नीचे में या ऊपर नीचे दोनों, आपको देखिए यहां पर नीचे में क्या दिख रहा है जीरो ना, एको को कुछ है खाली जीरो है, और जब इसको मिलाते हैं तो एक त्रिभुज का निर्माण कर देता है। ठीक है, जब इसको मिलाएंगे तो किसका निर्माण करेगा, त्रिभुज का निर्माण करेगा। तो ऐसा जब भी आ जाए तो आपको इसका मान निकालने के लिए पूरा क्रिया करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ विकर्ण वाला को गुणा कर देना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ विकर्ण वाला को गुना कर देना है, तो गुना कर दीजिए, तीन गुना छः सत्ते बयालीस, यानी इसके डिटर्मिनेंट का मान कितना के बराबर हो जाएगा, बयालीस के बराबर। ठीक है, यदि ऐसा जीरो ऊपर में बनता तो भी इतना ही, ऊपर और नीचे दोनों जगह बनता तो भी आपको इतना ही क्रिया करना है, और तब इसके डिटर्मिनेंट का मान कितना के बराबर हो जाता, तो विकर्ण के गुणनफल के बराबर हो जाता। चलिए आइए अगला सवाल क्या है, देखिएगा क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, अच्छा वैसा ही क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर जो इससे पीछे वाला बनाए हैं, वैसा ही क्वेश्चन एबीसी में दिया गया है, वन ए ए स्क्वायर यहां पर है। ठीक है, फिर वन बी बी स्क्वायर, वन सी सी स्क्वायर, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर भी बिल्कुल सेम होगा, ए माइनस बी बी माइनस सी और फिर सी माइनस ए के बराबर। ठीक है, अभी जस्ट देखे थे ना, अभी वाला का क्या था,
एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और फिर जेड माइनस एक्स के बराबर, यही था ना। उसी तरीके से इसका हो जाएगा ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए के बराबर। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है इसका आंसर, ठीक है। हाँ आइए अगला सवाल क्या है देखिएगा, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है उसी तरीके का सवाल है विकर्ण वाला जो अभी आपको बनाकर दिखाए, ठीक है, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। यहां पर देख लीजिएगा क्या है, दो तीन पांच, जीरो चार सात, जीरो जीरो पांच। अब आप देख सकते हैं यहां पर क्या है, विकर्ण को छोड़ने के बाद यहां पर आप देख लीजिए कि यहां पर तीनों के तीनों जीरो को मिलाते हैं तो एक त्रिभुज का निर्माण करता है, यानी विकर्ण के नीचे जो है केवल जीरो ही आपको दिख रहा है। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, तो विकर्ण को गुणा कर देना है, चार दुना आठ पचे चालीस, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, चालीस के बराबर, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल, ओहो एक और सवाल ऐसे ही है, वाह मतलब इससे सवाल पूछा जा रहा है, कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन है और इससे सवाल आपसे पूछा भी जा रहा है, इसलिए आपको जो है हाँ इस पर ध्यान देने की जरूरत है। देखिए क्या है सवाल, एक दो तीन, जीरो चार पांच, जीरो जीरो छ, बता दीजिए इसका आंसर। देखिए विकर्ण है ना यहां पर, इसको छोड़ने के बाद देखिए यहां पर जीरो से त्रिभुज बन रहा है, क्या करना है, गुना कर देना, छह चौके चौबीस को एक से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, चौबीस के बराबर, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका चौबीस के बराबर, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, बनाने का प्रयास कीजिए सभी लोग फटाफट से। सवाल है एक दो तीन, दो चार छ, एक एक दो, गौर करेंगे। आपको बताए हैं डिटर्मिनेंट का जो गुणधर्म है उसमें कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई दो पंक्तियां कोई दो स्तंभ के संगत अवयव समानुपाती हो जाए तो डिटर्मिनेंट का मान जीरो के बराबर हो जाएगा। अब आप चेक करके देखिए, यहां पर यह आपका आर वन है और ये आपका R2 है, दोनों का अनुपात चेक कीजिए। देखिए एक दुना दो, दो दुना चार, तीन दुना छह, दुगुना दुगुना है, यही तो अनुपात बराबर है। इसका अनुपात निकालेंगे वन बाई टू, टू बाई फोर, थ्री बाई सिक्स, चेक करके देखिए इधर दो है, ये है, यह दो हो जाएगा, यह दो हो जाएगा, अनुपात बराबर है, इसलिए डिटर्मिनेंट का मान कितना हो जाएगा, जीरो के बराबर, ठीक है। हाँ चलिए देखिए यह सवाल आपका रिपीट कर गया, पहले भी यह सवाल था, यह सवाल 2016 में भी है और ये सवाल आपका जो है 2011 में भी पूछा गया था। वन 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 ए बी सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए और ए प्लस बी, ये सवाल आपका जो है 2011 में पूछा गया था और बता दिए हैं क्या करना है, ये दोनों को आपस में जोड़ देंगे ना, जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, कॉमन ले लेंगे तो वन 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 यानी जीरो के बराबर, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, जीरो के बराबर, पहले भी आपको एक बार बता दिए हैं ये सवाल। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, सवाल आपको ऊपर दिख रहा है, देखिए जल्दी से और बनाने का प्रयास कीजिए सभी लोग। सवाल है कि वन वन वन, वन वन टू, सॉरी टू टू फोर और थ्री फाइव सिक्स, यहां भी देखिए थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये आपका जो आर वन है और ये जो आर टू है, ठीक है, देख सकते हैं, तो इसका ही दुगुना है, इसका ही दुगुना है, इसका ही दुगुना है, यानी यहां भी इसका अनुपात बराबर है। तो जब अनुपात बराबर होगा, ठीक है, तो दिए गए डिटर्मिनेंट का मान कितना होगा, जीरो के बराबर, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा बाबू, जीरो के बराबर। चलिए अगला सवाल, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, देखिए क्वेश्चन आपका क्या कहता है, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा, देख लीजिए एक बार सभी लोग। सवाल आपका है, हाँ यहां पर दिया गया है डिटर्मिनेंट का मान निकालना है, दस दो पैंतीस सात, डिटर्मिनेंट का मान निकालना है सीधे गुना, सत्तर माइनस पैंतीस दुना सत्तर, सत्तर में से सत्तर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, जीरो के बराबर, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका जीरो के बराबर, ठीक है। अगला सवाल आपका है कि एक्स पांच, फिर पांच एक्स, अब आप देखिए क्रॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस पांच को पांच से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, पच्चीस, इसका मान जीरो के बराबर था ना, हाँ तो एक्स का मान पूछ रहा है, चलिए बराबर में जीरो रख देते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 25, इसलिए एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका प्लस माइनस पांच, एक्स का मान हो जाएगा प्लस माइनस पांच के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, भाषा के रूप में कुछ पूछा गया है, दिख रहा है ऊपर, कहता है किसी सारणिक जिसकी कोई दो पंक्ति या स्तंभ समान हो उसका मान होता है। अभी आपको जस्ट बताए हैं कि यदि किसी सारणिक के कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ के अवयव यदि समान है तो उस सारणिक का मान कितना होगा, जीरो के बराबर, ठीक है।
तो इसका मान कितना हो जाएगा बाबू, जीरो के बराबर। इसका मान हो जाएगा आपका जीरो के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। चलिए अगला सवाल है कि 2, 4, 5, 1 और इसके बराबर में आपका है 2x, 4 और 6x, ये है। तो पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा, पहले तो डिटरमिनेंट निकाल लीजिए आप, 2 और माइनस हो जाएगा आपका 20 बराबर में 2x² - 24, ठीक है। यहां 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -18 बराबर हो जाएगा आपका 2x² आई माइनस में, इधर प्लस में आ जाएगा 24 ना। अब देखिए 24 में से 18 घटेगा तो 6, यानी 2x² बराबर हो गया आपका 6, कट गया 3 बार, इसलिए x बराबर हो जाएगा आपका +-√3 ना। x का मान कितना हो जाएगा, +-√3 के बराबर। चलिए अगला सवाल है, इसमें डिटरमिनेंट का मान ही आपसे पूछा गया है, 2, 4, 2 × 2 = 2, 4 - 5 - 1। चलिए क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट, तो -2 और बीच में माइनस और फिर इधर -20, ठीक है। यह हो जाएगा -2 और +20, 20 में से 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18 के बराबर, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के बराबर। चलिए आइए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, देख लीजिए जल्दी जल्दी सभी लोग, क्वेश्चन को देखिए ही नहीं, क्वेश्चन पर अप्रोच कीजिए, बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए देखिए क्या है सवाल है, यहां पर क्वेश्चन आपको दिया गया है कि x + 1 ω² फिर ओमेगा x + ω² और 1, फिर यहां आपका है ω² 1 और x + ω, इसका मान 0 के बराबर है तो x का मान क्या होगा। अरे जस्ट देखें, x के जगह पर कितना रख दिया जाए, अरे सिंपल है, जैसे ही आप x के जगह पर देखिए, जैसे ही आप x के जगह पर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + ω + ω², ठीक है। x के जगह 0 रखिए, 1 + ω + ω², x के जगह 0 रखिए, 1 + ω + ω², इसी का मान तो 0 के बराबर होता है, यानी आपको x के जगह पर कितना रखना है बाबू, 0, x के जगह पर कितना रख देना है, 0। जैसे ही x के जगह पर 0 रखेंगे ये आपका क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, जैसे ही x के जगह 0 रखेंगे 0 के बराबर हो जाएगा। चलिए आइए अगले सवाल की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, एक बार देख लीजिएगा सवाल क्या कहता है। अच्छा फिर वही आ गया ना, कोई बात नहीं, x + 1 x + 2 x + 3 x + 2 x + 3 x + 4 x + a x + b x + c, ठीक है। हाँ, अब पूछ रहा है कि इसका मान कितना के बराबर होगा, वेरी सिंपल, ये सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, इसके बीच का अंतर बराबर है, इधर भी बीच का अंतर बराबर है, और सवाल आपका कहता है कि ए बी सी समांतर श्रेणी में है, इसके कहने का मतलब कि इसके बीच का अंतर भी क्या है, बराबर है, इसलिए डिटरमिनेंट का मान कितना हो जाएगा, 0 के बराबर, ठीक है, इसलिए डिटरमिनेंट का मान हो जाएगा आपका 0 के बराबर। चलिए अगला सवाल क्या है देखिएगा, क्वेश्चन आपका है यहां पर, 1, 3, 7, 2, 7 फिर है x, 2, 6, x, ठीक है। हाँ, इसका मान है 0 के बराबर, अच्छा इसमें 3 को मूल होगा जिसमें 2 को दिया गया है, 7 और 2 दिया गया है, नहीं 7 और 2 दिया गया है, तो आपसे पूछ रहा है कि इसका तीसरा मूल क्या होगा, वेरी सिंपल है, तीसरा मूल देखिए जोड़ कर, सब 9 के बराबर आ रहा होगा, सब जोड़ने से 9 के बराबर आ रहा है, बस आपको क्या करना है कि जोड़ कर उसका चिन्ह बदल देना है, तो इसका मान हो जाएगा एक्स का मान -9 के बराबर, ठीक है। एक्स का मान कितना हो जाएगा आपका, -9 के बराबर, ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, यह सवाल 2018 में और 2011 में दोनों में आपसे पूछा गया सवाल है, ठीक है। चलिए आइए अगले सवाल की तरफ चलेंगे, सवाल आपका कहता है कि θ + φ = 90 डिग्री है, ठीक है, तो क्या पूछ रहा है कि cos θ sin θ, फिर क्या है, तो sin φ cos φ
ठीक है, इसका मान कितना के बराबर होगा? अरे सिंपल है, देखो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव, अब बीच में माइनस है, नहीं साइन थीटा इंटू साइन फाइव, ठीक है। चलिए अब चेंज कर दीजिए, यदि फाइव का मान चेंज करना चाहते हैं प्लस में उधर माइनस में चल जाएगा, तो जहां फाइव दिख रहा है वहां 90 डिग्री माइनस थीटा कर देना होगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा को ज्यों का त्यों रहने दीजिए, यहां हो जाएगा आपका साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कितना हो जाएगा देखिए तो, कॉस थीटा इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा आपका साइन थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, यहां देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये प्लस में माइनस में घट गया तो कितना हो जाएगा, जीरो के बराबर, ठीक है। इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, जीरो के बराबर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे, पहले इसको मिटा लेते हैं ना, सवाल आपको ऊपर दिख रहा है, बनाइए सभी लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन को, क्वेश्चन ऊपर दिख रहा है सभी लोग बनाइए एक बार जल्दी जल्दी। ये टोटल आपका पूछा गया क्वेश्चन है 2009 से लेकर 2022 तक के बोर्ड एग्जाम में जितना भी सवाल पूछा गया है टोटल का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। अच्छा पहुंच कहां गए हम लोग अभी, अच्छा 2020 का सेट अभी चल रहा है आपका ये, ठीक है, हाँ 2020 का सेट चल रहा है। देखिए तो क्या है, एक दो चार, एक तीन छ, इसके बाद एक तीन छ के बाद एक चार छ, ठीक है, ये है आपका ना। चलिए मान निकालना है ना, इसी को एक बार और लिख दीजिए, एक 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 और दो तीन चार, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तीन गो तीन गो तीन गो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, छत्री 18 प्लस छ दुनी 12 प्लस चार चौके 16, अभी जो माइनस का चिन्ह लगाना है। चलिए इधर नीचे से तीन तीन का जोर लगाइए, देखिए यहां पर तीन गो, फिर ये हो जाएगा तीन गो, फिर ये हो जाएगा आपका तीन गो, कितना हो जाएगा, तीन इकाए तीन चौके 12, यही ना होगा, तीन इकाए तीन चौके 12, फिर हो जाएगा छ चौके 24 और फिर हो जाएगा आपका छ दुना 12, देख लीजिए कितना हो गया, देखिए तो 12 12 24 24 48 और माइनस ये हो जाएगा आपका 18 और 20 और 10 30 30 30 46, यानी घट के हो जाएगा आपका माइनस दो, यही ना होगा, माइनस दो या प्लस दो के बराबर है, कैसे हो गया, 12 12 24 और 24 48 और इधर हो जाएगा आपका 18 12 30 और 30 और 16 46, ठीक तो है। देखिए यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है, क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हुआ, यहां पर 9 है, ये 9 है, ठीक है, हाँ 9 है, तो कितना हो जाएगा, आप 9 27 ये हो जाएगा आपका 27, ठीक है, इसके बाद इधर हो जाएगा 9 27 और फिर इधर भी गुना हुआ है ना, तो 9 दुना 18 यहां हो जाएगा आपका 18। चलिए इसको जोड़ दीजिए आप, कितना हो जाएगा, 6 2 8 7 15 के 5 हासिल 1 2 1 3 और 3 2 5 55 माइनस 8 4 12 2 14 के 4 हासिल 1 1 1 2 2 4 1 5 यानी 54, 55 में से 54 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 के बराबर, नहीं यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखेंगे, ऐसे बनाया हुआ गलत नहीं था, यहां पर यदि 6 है तो वो सही आंसर था, लेकिन आपके क्वेश्चन में 9 था जिसके वजह से जो है यहां पर वो आपका क्वेश्चन गलत हो गया था, क्वेश्चन हम गलत लिख लिए थे, गलत क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं था, मतलब था नहीं, गलत हम लिख लिए थे क्वेश्चन के अनुसार। आइए अगले सवाल की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन आपको दिख रहा है देख लीजिए एक बार, बहुत ही अच्छा सवाल है, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस बी, सी माइनस बी, सी माइनस बी, ए माइनस बी होना चाहिए यहां पर, ए माइनस बी, ठीक है, इसके बाद सी माइनस ए, ए माइनस बी और बी माइनस सी, ये होना चाहिए क्वेश्चन, मिस्टेक है देख लीजिएगा, सी माइनस बी की जगह ए माइनस बी होना चाहिए, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका मान कितना के बराबर होगा, नहीं सारणी का मान क्या होगा, सिंपल है,
ये आर वन, ये आर टू, ये आर थ्री, तीनों को आपस में जोड़ दीजिए आप। तो देखिए पूरा क्रिया नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है, एक लाइन का क्रिया करके हम आपको समझाते हैं कि जब इसको जोड़िएगा तो क्या बनेगा। तो जैसे ही आप इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस बी से माइनस बी, प्लस बी माइनस सी, प्लस ए माइनस ए, सब आपका कट जाएगा नहीं। तो जैसे ही कट जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, जीरो ना, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, जीरो के बराबर। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, फिर वही आपका जो है श्रेणी वाला है जो आपको दिख रहा है, आप इसका आंसर ऐसे ही लिख लीजिएगा। जब श्रेणी वाला सवाल है तो इसको देखकर ही इसका आंसर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगला सवाल आपका क्या है, एक्स टू अठारह एक्स बराबर में कितना है, छ दू अठारह छ, एक्स स्क्वायर माइनस छत्तीस बराबर, छत्तीस में से छत्तीस घटेगा जीरो के बराबर, ये माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया आपका छत्तीस, यानी एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस छ, इसका आंसर हो जाएगा आपका प्लस माइनस छ के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है, देखिएगा इधर एक्स एक्स प्लस वन, फिर क्या है एक्स माइनस वन, और फिर आपका है एक्स ना, दुगुने दुकोटि का है, इसका मान निकालना है, पहले क्रॉस कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इसका मान एक के बराबर, इसका मान कितना हो जाएगा आपका एक के बराबर। ठीक है, ओहो, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। ठीक है, ये सवाल जो आपको दिख रहा है फिर से 2021 में रिपीट कर रहा है सवाल, ठीक ना, ये सवाल आपको जो है 2011 में पूछा, 2017 में पूछा, और 2021 में फिर से रिपीट किया है, ए बी सी वाला, देख लीजिए क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, इसका आंसर जीरो के बराबर होगा, जो आपको पहले ही बता दिए हैं। और फिर से ये सवाल जो है 2021 में भी, 2021 में एक बार और ये सवाल पूछा है, ओमेगा वाला जो आपको सामने दिख रहा है, जिसका आंसर आपको बता दिए हैं। ठीक है, हाँ, तो ये सवाल डबल रिपीट कर रहा है, बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें भी एक्स का मान जीरो के बराबर हो जाएगा। चलिए जो क्वेश्चन अब आपको बनाने वाला है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, देखिए सवाल क्या है, थोड़ा सा ध्यान देंगे इधर, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, ऐसे ये डिटरमिनेंट वाला सवाल पहले भी आपका एक बार हो गया है, दस है, दो है, फिर पैंतीस है, फिर सात है, देख लीजिए, दस सत्तर सत्तर, यानी हो जाएगा सत्तर माइनस सत्तर बराबर जीरो, इसका आंसर जीरो के बराबर। इसके बाद क्या है, तो कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है बाबू, इसके बाद साइन थीटा, और इसके बाद कॉस थीटा, यही तो है, यही तो है ना, सवाल में मिस्टेक नहीं लग रहा है आपको, यहां पर होना चाहिए था आपका कॉस, यहां पर होना चाहिए था साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा को कॉस थीटा से गुना करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ प्लस माइनस माइनस है, माइनस इसका है, तो मिलके क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा वन, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक था। ठीक है, हाँ, देख लीजिएगा अगला सवाल आपका क्या है, देखिए सवाल है आपका कि एक दो चार तीन सात नौ, अब फिर है चार आठ सोलह, देख लीजिए यहाँ पर, देखिए ये इसका दुगुना है, ये इसका चार गुना है, ये चार गुना और ये भी चार गुना है, इसका आंसर कितना हो जाएगा जीरो के बराबर, लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं जीरो, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। चलिए दो सवाल और रह गया है, और ये दोनों सवाल आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, एक ही बार हम आपको दिखा दिए, ये दोनों सवाल का आंसर बनाकर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, और आपका जो है 2009 से 2022 तक के बोर्ड एग्जाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, वो टोटल के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन समाप्त हुआ, कुल मिलाकर जो है 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था 2009 से 2022 तक के बोर्ड एग्जाम में डिटरमिनेंट से। ठीक है, तो वो 40 के 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है एक कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल गया है। ठीक है, और ये जो दोनों आपका है, इसमें दोनों का लगभग जीरो ही आंसर होगा, देख लेते हैं एक बार, हाँ हाँ, दोनों का आंसर बिल्कुल जीरो ही है। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है, देख लीजिए आंसर बन गया होगा आपका। अब आपको क्या करना है कि कल सोमवार है, ठीक है, कल शाम में जो है आपको, यानी 7 बजे, जो ये 7 बजे आप लोग का क्लास चल रहा है, ये 7 बजे हम क्या करेंगे कि 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं, वो भी पूरे बुक से। ठीक है, हाँ, पूरे बुक से 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं,
तो निश्चित रूप से आप सभी उसमें जुड़ेंगे और उसका लाभ लेंगे। धन्यवाद।